आगे फिर से तो आज गाइस अपन एक और बार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की एक और मिथबस्टर वीडियो लेके आ चुके हैं। मिथ नंबर 1, जेसीबी से आप कुछ भी ब्लास्ट कर सकते हो। वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जेसीबी से स्टिकी बॉम्ब को तो ब्लास्ट किया था, लेकिन अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मत जाना, ये वाली वीडियो देख के जाना। तो आज अपन लोग जेसीबी से ब्लास्ट करने वाले हैं फ्यूल टैंक को। चल हो जा फ्यूल टैंक ब्लास्ट, क्योंकि स्टिकी बॉम्ब भी ब्लास्ट हो गया था तो तू किस खेत की मूली है, तू भी ब्लास्ट होकर रहेगा। तो ये मैंने सूपे को नीचे किया लेकिन फ्यूल टैंक को कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? रुको एक और बार करके देखते हैं। ये मैंने वापस से सूपे को नीचे किया और इस बार भी कुछ भी नहीं हुआ, ये तो काफी अजीब बात है। रुको गैस टैंक को ब्लास्ट करके देखते हैं, क्या पता गैस टैंक ब्लास्ट हो जाए। तो ये मैंने ठोका सूपे से गैस टैंक को, लिटरली मैं गाइस गैस टैंक को भी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि स्टिकी बॉम्ब तो ब्लास्ट हो गए थे लेकिन फ्यूल टैंक और गैस टैंक को तो लिटरली में कुछ भी नहीं हुआ। अबे टकले क्या कर रहा है, देख के चला रहे? नहीं लगता है मेरी जेसीबी के नीचे कोई आ गया। चलो छोड़ो, किसी ने नहीं देखा, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। भागना नहीं, तेल को तो मैं जेल में बंद कराऊंगा टकलू। अबे जाबे तू क्या मुझे जेल में बंद करवाएगा, पहले जाके अपना इलाज करवा। लेकिन यार फ्यूल टैंक और गैस टैंक को सचमुच में जेसीबी से कुछ भी नहीं हुआ, मगर यार स्टिकी बॉम्ब तो ब्लास्ट हो गए थे जेसीबी के सूपे से, पता नहीं फ्यूल टैंक और गैस टैंक क्यों नहीं हुए। तो इसका मतलब है हम लोग जेसीबी से सब कुछ ब्लास्ट नहीं कर सकते, यानी ये वाला मिथ हो चुका है बस। मिथ नंबर 2, ओल्ड हाउस के पिलर के आर पार जा सकते हैं लेकिन शोरूम के पिलर के आर पार नहीं जा सकते। तो काफी दिनों बाद मैं अपने ओल्ड हाउस में आ चुका हूँ यार, यहाँ की यादें तो मुझे काफी सताती है, लेकिन चलो यादों को छोड़ो। ये देखो मैं सचमुच में पिलर के आर पार निकल रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है यार? पिलर के आर पार मैं कैसे जा सकता हूँ? ये तो काफी अजीब बात है, क्योंकि यार पिलर तो लकड़ी के बने और मैं लकड़ी के आर पार जा पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई ना कोई सुपर पावर आ गई है, और या तो ये हो सकता है जिस भी इंजीनियर ने इस घर को बनाया होगा उसने पिलर को इनविजिबल पिलर बनाया होगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, जब हम लोग पिलर के आर पार जा सकते हैं तो हमारा घर पिलर के ऊपर टिका तो टिका कैसे है? हमारे ओल्ड हाउस को सपोर्ट कौन दे रहा है भाई? ये सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है इसको? और सपोर्ट को मारो गोली, जिस भी इंजीनियर ने इस घर को बनाया वो तालियों के काबिल है, क्योंकि उसने ऐसा पिलर बना दिया जिसके आर पार जा सकते हैं। तो अब मिथ के अकॉर्डिंग अपन जल्दी से चलते हैं शोरूम के पिलर को देखने। तो ये मैं अपनी बोलेरो को फुल स्पीड में भगा के शोरूम पे आ गया हूँ, तो चलो जल्दी से शोरूम के पिलर को चेक करते, क्या पता यहाँ के पिलर भी इनविजिबल पिलर हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों एक चीज कमेंट करो, आपको पुराना वाला शोरूम पसंद है कि नया वाला शोरूम, जल्दी से कमेंट करो ठीक है। लेकिन वेट गाइस, आपने एक चीज नोटिस की, जो अपने ओल्ड हाउस के पिलर थे वो लकड़ी के बने थे लेकिन शोरूम के पिलर सीमेंटेड है, और हम लोग शोरूम के पिलर के आर पार जा भी नहीं पा रहे हैं। तो क्या पता इनविजिबल वाला जादू सिर्फ लकड़ी में ही चलता हो। लेकिन जिसने भी ओल्ड हाउस के पिलर बनाए उसको तो सलूट करना बनता है, क्योंकि उसने इतने कमाल के पिलर बना दिए हम लोग उनके आर पार जा पा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वाला मिथ हो चुका है कंफर्म। मिथ नंबर 3, ओल्ड हाउस के सामने जो बिल्डिंग है वो स्कूल है, जाके देखो। चलो चलो, आज तो मेरा स्कूल में पहला दिन है और मैं पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहता, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है, इसलिए मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन सबसे तगड़ा होगा, इसलिए मैं जेट पैक में आया हूँ। कोई भी बच्चे के पास जेट पैक नहीं होगा सिवाय मेरे, और जेट पैक को स्कूल में लाने के पीछे मेरा एक और मकसद है, और वो मकसद ये है कि स्कूल में मेरा बन जाएगा रौला, सारे बच्चे मेरे कदमों में और मैं बन जाऊंगा सबका हीरो। तो ये देखो यार, ये वाली बिल्डिंग बिल्कुल स्कूल जैसी लग तो रही है, क्योंकि पूरी सिटी में ऐसी बिल्डिंग कहीं पर भी नहीं है। मुझे तो ये वाली बिल्डिंग बिल्कुल स्कूल की तरह लग रही है, क्योंकि इसका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और फिर इसका यूनिक डिजाइन, जिसे देख के मुझे प्राइवेट स्कूल की याद आ रही है, प्राइवेट स्कूल बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। तो मुझे तो ये स्कूल की बिल्डिंग ही लग रही है, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताना। लेकिन तब तक ये वाला मिथ हो चुका है कन्फर्म। मिथ नंबर 4, टैंक को ब्लास्ट करने के बाद उसमें बैठो फिर देखना ब्लास्ट होने के बाद भी आपकी टैंक काम करेगी, प्लीज टेक माय मिथ। टैंक तू तो अब बचेगी नहीं, क्योंकि तेरे को ब्लास्ट करने के लिए मैंने स्पॉन किया गोस्ट राइडर बाइक को। और गाइस आपको वो वाली कहावत तो पता ही होगी, चाकू तरबूज के ऊपर गिरे या तरबूज चाकू के ऊपर कटेगा तो तरबूज ही, उसी तरीके से फटेगा तो टैंक ही। तो चलो जल्दी से मैं टैंक के अंदर बैठ चुका हूँ और हमारा टैंक हो चुका है फटने को तैयार। तो ये मैं गया
घोस्ट राइडर बाइक के पास और हमारा टैंक फट गया एज पर माई कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे पता था घोस्ट राइडर बाइक एक ऐसी चीज है जो किसी को भी ब्लास्ट कर सकती है। लेकिन ये वाला तरीका अपनाने से पहले अपनी हेल्थ को इनफाइनाइट कर लेना, नहीं तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो फटने के बाद भी हमारा टैंक बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है, सारी मिसाइलें प्रॉपरली निकल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि टैंक तो फट चुका है और इसका इंजन पूरी तरीके से खराब हो गया, लेकिन अभी भी हमारा टैंक काम कर रहा है। टैंक के सारे बटन काम कर रहे हैं बिल्कुल जेसीबी की तरह, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जेसीबी को भी ऐसी ब्लास्ट किया था, फिर भी उसके आगे वाला और पीछे वाले सूपे काम कर रहे थे। लेकिन हम लोग अपने टैंक को आगे मूव नहीं करा सकते, सिर्फ उससे मिसाइल छोड़ सकते हैं और उससे गोल गोल घूम सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला मिथ भी हो चुका है कन्फर्म। मिथ नंबर 5, करेक्टर की रेड जैकेट के आगे व्हाइट फिश बनी है और किसी जैकेट में नहीं बनी है। प्लीज टेक माय मिथ, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए क्योंकि आज है हॉलीडे और मैं आता हूँ स्विमिंग पूल को छोड़ के समुद्र में नहाने। मुझे पता है गाने का कोई भी सेंस नहीं बन रहा था, लेकिन आप लोग गाने पे ध्यान मत दो, आप लोग मेरी रेड जैकेट पे ध्यान दो, क्योंकि हम लोग देखने वाले कि हमारी रेड जैकेट पे कहां पर बनी है फिश। तो चल टकले, जल्दी से अपने कपड़े बदल और रेड जैकेट पहन ले। तो कहां पर है मेरी रेड जैकेट कहां पर है, ये वाली रेड जैकेट है शायद। तो चलो, मैंने मिथ के अकॉर्डिंग जैकेट को तो पहन लिया, तो अब मुझे जैकेट के आगे देखना है, तो उसके लिए मुझे एक जेट पैक को स्पॉन करना पड़ेगा। तो ये डाला मैंने चीट कोड और हमारा जेट पैक भी आ चुका है। और ये देखो, रेड वाली जैकेट में सचमुच में आगे की साइड एक फिश बनी है और देखने में ऐसा लग रहा है ये कोई फिश नहीं है, ये तो शार्क है। शार्क, रुको मैं आपको थोड़े अंधेरे में दिखाता हूं, तब आपको क्लियरली दिखेगा। तो अब देखो गाइस, इसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि हमारी रेड जैकेट ऊपर कोई शार्क बनी है। तो इसका मतलब है हमारी रेड जैकेट के ऊपर सचमुच में एक फिश बनी है, सॉरी एक शार्क बनी है। तो इसलिए वाला मिथ हो चुका है कंफर्म। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, जल्दी से मुझे लेटेस्ट मिथ कमेंट करो। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि गेमर भी आ चुके हैं।